हेलो एवरीवन, दिस इज विनय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द बायोटेक लाइव। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल हम बात करने वाले हैं जिंक फिंगर प्रोटीन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम जिंक फिंगर प्रोटीन की। तो जिंक फिंगर प्रोटीन जो होता है वो स्मॉल प्रोटीन स्ट्रक्चरल मोटिफ होता है दैट इज कैरेक्टराइज बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ वन और मोर जिंक आयंस इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द फोल्ड। ओके, ये प्रेजेंट होता है टेंडम रिपीट के फॉर्म में, यानी कि ये कॉन्टिन्यू वन बाई वन करके ये प्रेजेंट होता है एंड इंटरेक्टिंग विद डीएनए एंड आरएनए। आरएनए एंड डीएनए से ये इंटरेक्ट करता है। ईच जिंक फिंगर कंसिस्ट 30 अमीनो एसिड। एक जिंक फिंगर प्रोटीन जो होता है उसमें लगभग 30 अमीनो एसिड होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है बीटा बीटा एंड अल्फा स्ट्रक्चर होता है। ओके, जिंक फिंगर एंड प्रोटीन मोटिव्स दैट फॉर्म ए कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दैट कोऑर्डिनेट वन और मोर जिंक आयंस एंड का सीक्वेंसेस जो होता है रिप्रेजेंटेशन का वो था X3-16, X2-4-16, X12-histidine एंड X3-5-histidine, X4। ये इसका सीक्वेंस होता है जिंक फिंगर प्रोटीन का। बेसिकली ये C2H2 टाइप का जिंक फिंगर प्रोटीन है जिसमें 2 cysteine इन बीटा सीट में एंड 2 histidine होता है अल्फा हेलिक्स में जो टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड होते हैं टू जिंक आयन। यानी कि जिंक आयन जो अटैचमेंट होता है यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जिंक है और जिंक आयन किससे अटैच है 2 cysteine एंड 2 histidine से। जो सिस्टीन है वो अटैच्ड है बीटा सीट से एंड जो हिस्टिडीन है वो अटैच्ड है अल्फा हेलिक्स से। इसको हम फिंगर क्यों बोलते हैं बिकॉज इसका जो लुक लाइक होता है रिप्रेजेंटेशन होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है यानी फिंगर लाइक अपियरेंस होता है। एंड इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था जेनोपस लेविस में। जेनोपस लेविस में सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था। और लेबोरेटरी की बात करें तो लेबोरेटरी एरोन क्लूक की लेबोरेटरी थी जहाँ पे सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था। ये आप देख सकते हैं ये जेनोपस लेविस है। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जिंक आयन है जो अटैच होता है यानी कोऑर्डिनेटेड होता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन किससे होता है 2 cysteine एंड 2 histidine रेजिड्यू से। आप यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ पे जिंक आयन है जो अटैच है 2 cysteine एंड 2 histidine रेजिड्यू से। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके फंक्शन की बात करते हैं। तो इसका फंक्शन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बहुत ही एबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है प्रोटीन यूकैरियोट में। एंड दीज आर द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द यूकैरियोट जीनोम। देयर फंक्शन आर डाइवर्स एंड इंक्लूड डीएनए रिकॉग्निशन, डीएनए पैकेजिंग, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन, रेगुलेशन ऑफ द एपोप्टोसिस, प्रोटीन फोल्डिंग एंड असेंबली, लिपिड बाइंडिंग। ऐसे इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं यूकैरियोटिक के केस में। जीनोम की बात करें तो जैसे कि आप हमने कुछ आइडेंटिफाई किया जैसे डीएनए रिकॉग्निशन, एक बार फिर बात कर लेते हैं डीएनए रिकॉग्निशन यानी कि रिकॉग्निशन में इसका बहुत ज़्यादा हेल्प है, डीएनए पैकेजिंग में इसका हेल्प है एंड ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन में इसका काम होता है, रेगुलेशन ऑफ एपोप्टोसिस एंड प्रोटीन फोल्डिंग एंड असेंबली में एंड लिपिड बाइंडिंग में। इसके साथ ही साथ इसका अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो जिंक प्रोटीन फैमिली में लगभग 40 टाइप ऑफ जिंक फिंगर्स यूनिपोर्ट में इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जिसमें से हम जो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के हैं जैसे जिंक रिबन एंड 16-2-histidine 2 टाइप का जिसके बारे में हमने इसके पहले भी बात किया एंड ट्रेबल क्लेफ फिंगर्स, ये कुछ फैमिलीज है जिंक फिंगर प्रोटीन की। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है 16-2 एंड 16-2 क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है इन यूकैरियोटिक जीनोम। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट नॉन डीएनए बाइंडिंग फैमिली इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लार्जेस्ट होता है सबसे ज़्यादा, कंपोज्ड ऑफ बीटा मतलब 2 बीटा होते हैं और 1 अल्फा हेलिक्स होता है। 2 cysteine and 2 histidine रेजिड्यू लोकेटेड इन द सर्टेन पोजिशन बाइंड जिंक टू स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर। जिंक से बाइंड करके क्या करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। 4 other amino acid रेजिड्यू लोकलाइज इन द स्पेसिफिक पोजिशन इन द एंड टर्मिनल रीजन ऑफ द अल्फा हेलिक्स, पार्टिसिपेट इन डीएनए बाइंडिंग, इंटरैक्टिंग विद हाइड्रोजन डोनर एंड एक्सेप्टर, एक्सपोज इन द डीएनए मेजर ग्रुप, प्ले रोल इन डेवलपमेंट डिफरेंशिएशन। इसका रोल किसमें है, ये डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन एंड सेपरेशन ऑफ द मैलिग्नेंट सेल ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो था हमारा जिंक फिंगर प्रोटीन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। था अगर नहीं समझ में आएगा, अगर आपको कोई क्वेरी है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी अपना डालें, उसका सोल्यूशन हम आपको बहुत जल्दी दे देंगे। थैंक यू सो मच। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।